स्वागत है आपका गीताज खाना में। आज हम खाना जी के लिए एक ड्रेस बना रहे हैं, जो नए तरीके से हम ड्रेस बनाएंगे। देखिए, हम कॉटन के कपड़े की ड्रेस बनाएंगे। ये हमारा कपड़ा है, पतला कपड़ा हमारा नहीं है, अस्तर लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए देखिए, ये ड्रेस हम ये 4 नंबर खाना जी के लिए बना रहे हैं। घेरे की चौड़ाई हम रखेंगे करीब हमारी 9 इंच चाहिए, तो हमारा 4 फोल्ड हो गए। 38 इंच की हमारा घेरे की चौड़ाई हो गई है। लंबाई हम करीब 4 इंच की ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो 5 से 5.5 इंच तक की भी लंबाई ले सकते हैं। कटिंग कर देते हैं इसकी। ये हमारा घेरा निकल गया है। देखिए, सबसे पहले हम घेरे की साइड टर्न करेंगे और एक हिस्सा नीचे का टर्न कर लेंगे। एक बार टर्न करेंगे इसको, दोबारा टर्न करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अगर आप कोई लेस गोटा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसको एक बार टर्न करेंगे नीचे से भी, और दोबारा टर्न करके इस तरह से सिल देंगे। देखिए, तीनों साइड टर्न करने के बाद इसमें प्लेटें डाल लेते हैं इस तरह से। मैं चौड़ी चौड़ी प्लेटें डालनी है, इसलिए मैं इस तरह से प्लेटें डालूंगी आज। प्लेटें डाल लेंगे इस तरह से। कितना घेरा नाप लेंगे, मेरा 6 इंच का घेरा है, तो करीब 7 इंच की पट्टी ले लेंगे। देखिए, मेरी ये पट्टी 8 इंच की है, मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा टर्न कर दूंगी। अब 7 इंच की पट्टी लेंगे, तो करीब 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले लेंगे। अपने घेरे से 1 इंच ज़्यादा पट्टी लेंगे, ढाई टर्न कर लेंगे। मैं थोड़ी ज़्यादा टर्न कर रही हूँ। पट्टी को सीधा रखेंगे, घेरे को भी सीधा रखेंगे। पट्टी नीचे रखी हुई है हमने, इस तरह से इसको सिल देते हैं। पट्टी को सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए, जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने डोरी बनी हुई रखी है हमारे पास, हम वो डोरी लगा रहे हैं। आप बाजार की डोरी भी लगा सकते हैं। करीब 10 से 12 इंच की अपनी डोरी बना लेंगे। डोरी को बीच में रखेंगे, एक बार टर्न करेंगे इसको, दोबारा टर्न करके। देखिए, हमारे नीचे की सिलाई भी नजर ना आए और डोरी भी ना सिले, इस तरह से डोरी लगाएंगे। इस तरह से डोरी अपनी खींच के देख लेंगे पहले कि हमारा घेरा इसी तरह से तैयार हो गया है। अब हम एक चोली बना लेते हैं। देखिए, चोली बनाने के लिए आप 6 से 6.5 इंच की पट्टी ले लेंगे। ये 6.5 इंच लंबी और करीब 1.5 इंच चौड़ी। देखिए, इसके 2 पार्ट्स कर देंगे। अगर आपके पास लंबी पट्टी है तो करीब 12 से 13 इंच की एक लंबी पट्टी ले लेंगे। मैं इसमें जॉइंट लगा रही हूँ, इतनी ही हम एक और पट्टी ले लेंगे। देखिए, 6.5 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, 2 पट्टियाँ ये ले लेते हैं। देखिए, इसमें भी हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास लंबी पट्टी है तो लंबी पट्टी लेंगे 13 इंच की। देखिए, हमारी ये दो लंबी पट्टी तैयार हो गई है। एक हमारी 1.5 इंच की पट्टी है और एक हमारी 2 इंच की पट्टी है। 2 इंच वाली पट्टी को डबल टर्न कर लेंगे इस तरह से, और इस पट्टी को हम सिंगल रखेंगे। इस तरह से इसको सिल देते हैं हम। देखिए, इसको सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे पट्टी को। एक बार टर्न करेंगे, अब दोबारा टर्न करके इस तरह से इसको सिलेंगे। देखिए, मैं करीब कि मैं 1 इंच की पट्टी रख रही हूँ, आप इसे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। देखिए, इसको इस तरह से रखेंगे। आप ये पाइपिंग नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, कोई भी कपड़ा आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। देखिए, इधर से हम ऊपर की साइड से करीब 2 इंच छोड़ लेंगे पहनाने के लिए, और बाकी काम इसमें कि थोड़ा सा हम इसको ऊपर नीचे पट्टी को रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई डबल लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी लगाएंगे। देखिए, एक पट्टी लेंगे, इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे दोनों तरफ और इसको नीचे रखेंगे। नीचे से भी टर्न की हुई है हमने, ऊपर से भी टर्न कर लेंगे और इसको इस तरह से सिल देंगे। वैसे ही हमारी दिखाई नहीं देगी, आप चाहें तो ना लगाएं, कि इस तरह से देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी हमारी चोली। देखिए, इस तरह से हमारी चोली बन गई है। अपना घेरा लेंगे। देखिए, नॉर्मली हम इस तरह से चोली लगाते हैं, अब इसको हम उल्टा लगा रहे हैं, सेंटर करेंगे इसका। देखिए, घेरे का सेंटर करेंगे, चोली का भी सेंटर कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे रख के हम इसको इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। सिलाई डबल लगा लेंगे कि हमारी डोरी ना सिले, इसका ध्यान रखें। इस तरह से डोरी को खींच के देख लेंगे, हमारी डोरी देखिए खींच रही है पूरी। इसी तरह से हमारी ड्रेस बन गई है।
इसी तरह से हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। मैं इसे कान्हा जी को पहना करके दिखा देती हूँ। इस ड्रेस के नीचे हमें लंगोटी भी पहनाने की जरूरत नहीं है कान्हा जी को। बहुत ही सुंदर सी हमारी गर्मी में पहनाने के लिए ड्रेस तैयार हो गई है। इस तरीके से हम ड्रेस अच्छे से बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सी हमारी ड्रेस लग रही है पहनाने के बाद में कान्हा जी को। देखिए आप इस तरह से ही ड्रेस बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से कान्हा जी की ड्रेस बन जाएगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।